बिछड़े में लड़नू बिछड़े में लड़नू गुरु अमर लोक चो आया बिछड़े में लड़नू बिछड़े में लड़ मस्तान बिछड़े में लड़नू बिछड़े में लड़नू इनामी तो आया बिछड़े में लड़नू शाम स्थान जी आया बिछड़े में लड़नू ऐसे आदमियों की तेरे नाम नहीं एक रूहानी खिताब है एमए की डिग्री कोई एमए दे सकता है हम तो हरेक को कह रहे थे ये बड़ा मस्ताना ये रूहानी खिताब है किसको मिलता है वो मालिक प्रेम है गॉड इज लव एंड लव इज गॉड मालिक प्रेम है प्रेम ही मालिक है मालिक का दूसरा रूप क्या है प्रेम रूप में सब जगह है सबके अंदर है दूसरा शब्द नाम उसका रूप है शब्द नाम शब्द धरती शब्द आकाश शब्द शब्द प्रकाश नाम के धर सगजन नाम के धर खंड ब्रह्मांड कहने को प्रेम और नाम अलग अलग दो लफ्ज हैं लेकिन असल में एक है अंदर प्रेम पदार्थ नाम है भाई माया मोह विनाश प्रेम पदार्थ नाम है भाई माया मोह विनाश असली प्रेम का जब पता लगता है जब नाम को प्रकट करता है यहां जो प्रेम है ये बाहर मुखी है फिर असली प्रेम का पता चलता है उस नाम में अमृत है नाम अमृत प्रभ का नाम है कहां देही में उसका विश्राम सबके अंदर है जो उस अमृत को नाम को प्रकट करता है वो हासिल करता है इस खिताब को उसकी मस्ती में रहता है नाम की उसका नाम मस्ताना है सोच लो कैसे बनता है जब सारे ख्याल निकाल दे अंदर सब कुछ सफर हो और कोई चीज ही ना हो आप नेट गुरी रखा जब बोले तब गुरी रख हंकार निकाले बिना त्याग कहां तो त्यागी सोच लो दुनिया के सारे बंधों से आजाद हो और लोक परलोक की ख्वाहिशों से परे हो नेक नामी बदनामी किसी चीज की परवाह ना करे उसका नाम मस्ताना है राय बसरी इधर उदास बैठी थी फकीर आ गया कि उदास क्यों है कहने लगी मेरा दिल आज भिष्ट की सैर को कराया मेरे मालिक ने फटकारा कि तू मेरी होकर भिष्टों की सैर मांगती है किसी चीज की ख्वाहिश ही ना हो जब ला बैकुंठ की आस तब लगे मैं चरण आस सोच लो एक साधु साधु हो कौन तो किताब को परम शांति दे सकता है जिसने हमें बीए किया है वही दे सके डिग्री रानी इंद्रमती अंदर गई क्या देखती है कि कबीर साहब सतपुरुष की जरा काम कर रहे हैं आप ही सतपुरुष हैं उन्होंने कहा आपने पहले क्यों ना बताया कि मैं ही सतपुरुष हूं कहने वहां कौन मानता है मातलोक में श्री ग्रंथ साहब अंदर गए क्या देखते हैं रामदास ही सतपुरुष हैं उनका हर जो नाम पढ़े रामदास मालिक के रामदास नाम पढ़ा है इसे इंसान मेहनत की अंदर गए क्या देखते हैं कि सावन शाही कुल मालिक है उनका सावन शाही कुल उनका बख्शा हुआ एक खिताब है ये खिताब उनका बख्शा हुआ है कई कई जन्म की भक्ति होती है तब डिग्री मिलती है मिसाल फरमाया करते थे कि जब तक दो चार जन्म की भक्ति ना हो फकीरों के दरबार में कोई नहीं आ सकता जब पांच सात जन्म की भक्ति ना हो तो नाम भी नहीं ले सकता सब फकीरों की हिस्ट्री पढ़ के देख लो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा मैंने फलाने जगह तपस्या की यूं किया वो किया ग्रंथ साहब ने लिखा है
पाठ पढ़े और वेद विचारे, न्यूल में हिंदू साहब शब्द है कि पाठ किए, न्यूली कर्म वगैरह किए, वेद विचारे, मौन रखे, नंगे फिरे, तीर्थों बनाए, तीर्थों मकान बनाए, पुण्य दान किए, योग वगैरह किए, फिर जाके कहीं चीज मिली, जल्दी का काम नहीं। देख लो सब फकीरों की हिस्ट्री पढ़ के देख लो, जिन रूहों से मालिक काम लेता है, वो सतपुरुष काम लेता है, वो बनी बनाई आती हैं। गुरु नानक साहब आए खुद, या खुद आए या अपने गुरुओं को भेजे, ये उसकी मौज है। जो गुरु नानक साहब आए उनके पहले से ही हालात कुछ ऐसे थे, बचपन से ही पंडित को पढ़ाने, पंडित के पास पढ़ाने के लिए भेजा, पढ़ने के लिए, तो वो उनको पढ़ाने लग गया। देखो हाँ? देख लो, फिर क्या नाम, डंगरों को चराने गए तो सांप ने छाया की, सौदाकर ने भेजा तो फकीरों के खड़ाए, उनको उपदेश दिया उसी वक्त। कहते हैं ना सच्चा सौदा किया, ये खाना सच्चा सौदा, ये तो हरेक खर सकता है ना। उनको बताया असली भक्ति ये है, उनको बताया असली भक्ति ये है, खाना तो हरेक खिला सकता है। ये पहले से रूह आती है, सबकी हिस्ट्री पढ़ के देख लो। जब बाबा जम सिंह जी महाराज स्वामी जी के पास गए, पहले तो तलाश करते रहे, जब उनके पास गए, नाम लिया, बैठे दो दिन कोठी में, फिर स्वामी जी आए, उन्होंने बताया तुम हमारे पढ़ने में ली हो, जो काम मैं कर रहा हूं वो तुम्हें भी करना पड़ेगा। सोच लो, इसी तरह सच पाशा शुरू से ही कभी साधु के पास कभी पाठ, 9 साल की उम्र में तो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने लग गए थे। फिर पोती मुद्दान के बाबा कर्म सिंह के पास गए, और फकीर के पास गए, वो क्या नाम था उसे, और था फकीर, उसके पास गए, उन्होंने कहा तुम्हारी मालत तुम्हें चीज मिलेगी जरूर, किससे मिलेगी, आपसे कि नहीं, अभी टाइम आने वाला ही है। वो कौन है बाबा कान, वो कौन है कि तुम नहीं ढूंढ सकते, वो खुद ढूंढ लेगा। सच बात, नौकरी पे थे, काम कर रहे थे, घोड़े पे सवार थे बाबा जी, बीबी के साथ, बीबी सेवक थी, उनके साथ जा रहे थे, कहने लगे हम इन सरदारों के, सरदार के लिए आए हैं, ये हमारा प्रणाम मिली है। वो कहने लगे अच्छा मिली है, इन्होंने तो फतेह भी नहीं बनलाई, देखते रहे, इन्होंने बेचारों का भी पता नहीं। 4 दिन के बाद उनके पास आदमी आया कि ये ऐसे एक संत हैं, राज सम्मत कहते हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब का प्रचार करते हैं। उस वक्त वो किसी के साथ ग्रंथों के शास्त्रों का बहस किया करते थे, उनको पता चला, कहने लगे जी वो तो ऐसे ही नास्तिक हैं, कि क्या पता है, कोई जाने नहीं देता शहीद लोग, क्या पता है हमारे साथ बार कह के वो आस्तिक बन जाए, नास्तिक की जगह। खैर सच पाशा गए, 4 दिन तो बहस करते रहे, फिर देख लिया भी रास्ता ठीक है, नाम लिया, तो बाबा जी ने फरमाया ये तुम्हारी अमानत थी जो तुमने दी है। सोचो ये रूह पहले से तैयार नहीं थे। मसान जी, मसान जी के 4 बहनें थी, लड़का कोई नहीं थे उनके बाप के, वो फकीर के पास गए, कहने लगे भाई लड़का होगा लेकिन वो तुम्हारे काम नहीं आएगा, पहले ऐसे ही आप बस बच्चों के साथ खेलते नहीं थे, अलग ही रहते थे, सादा खाते, जो कुछ होता बांटते थे। उनके पिता छोटी उम्र में ही उनके चले गए थे, 3-4 साल की उम्र थी।
माँ काम जानती थी, वो क्या मिठाई का काम करते, खोया वगैरह का रिश्ता भी कर गए थे उन दोनों में, तो छोटे छोटे के बच्चों के रिश्ते हो जाते थे। तो खोया बेचने भेजा, आगे फकीर मिला, कहने लगा मुझे कुछ खिलाओ। बैठ गए, मुझे खोया खिला दो तुम बादशाह बनोगे। हैं बादशाह कैसे बनेंगे, हम तो गरीब बच्चे हैं, खाने को घर में आटा नहीं रोटी नहीं अच्छी तरह, बादशाह कैसे बनूं। सारा खोया खा गए, अब क्या लेकर जाएं घर। फिर मेहनत की, मजूरी की, कुछ दाने ले गए। एक दफा इसी तरह साधु मिल गए, कि पहले संस्कार हैं, साधु मिल गए उनको घर ले आए, खाना बनाया वगैरह। बाद में उन्होंने दक्षिणा मांग ली, धोती मांग ली, अब कहाँ से लाए। एक जेवर पड़ा था, माँ को मजबूर किया, बेच के उनको धोती ले दी। इस रचना उनकी शादी भी हो गई, एक लड़का हुआ। फिर एक पंडित के पास गए, वो सत्यनारायण की पूजा करता था। कहने लगे, उनको कहने लगे, बाबा मुझे भी एक क्या नाम ठाकुर दे दो। उनका गाय देनी पड़ेगी, गाय थी घर में, उन्हें पत्थर उठा के दे दिया, रखे। दिल सच्चा था, आगे पूजा करने लगे, एक रुपया रोज सराहने आ जाए। उन्होंने रुपए की बड़ी कीमत थी, एक रुपया रोज आ जाए। आहिस्ता आहिस्ता सोने की मूर्ति बना ली, गायें रख ली, करामाते आ गई, और पंडित को तो छोड़ दिया, इनके पास आने लग गए। फिर रात को एक फकीर आया, कहने जो तुम कर रहे हो इससे मुक्ति नहीं, छुटकारा नहीं, काम फकीर ढूंढो। सोचा भी क्या है? इतनी करामात है, लोगों धागे देते दे, तोड़ तोड़ के उनके काम बन जाते हैं, ये क्या। खैर ख्याल किया, अच्छा इनको चाय पिलाए, दरवाजा बंद कर दिया, चाय बनाने चले गए कि कहीं सोने की मूर्ति ना उठा के ले जा। जब आए वहां कुछ भी नहीं। चार दिन के बाद फिर वही फकीर आया कि तुम कान फकीर नहीं ढूंढते। फिर उठे चले गए, गाय वगैरह सब छोड़ दी, लुटा दी। फिर फकीर के पास गए कि खुदा चाहिए। कहने लगे, ओहो सब दुनिया कोई कुछ मांगते, कुछ खुदा, ये इसने मांगा इन्होंने, कि मेरे पास तो खुदा तो नहीं भाई। करम आते हैं, शंख बजाओ मिठाई का थाला आ जाएगा, ये तो है, ये तो क्या करना, ये तो पहले ही थे। फिर किसी का और के पास गए, उसने बताया, फिर और गए और गए, फिर किसी ने बताया आगरे का, फिर आगरे गए, वहां भी पता ना चला। फिर वही फकीर आया, कहना अब तुम थक गए, जाओ ब्यास। अब ब्यास का ना पता बताया, गार्ड ने बैठा लिए, चलो भाई। जब ब्यास उतरे, डेरे गए, पता चला सच पाशाह सिकंदरपुर गए हुए हैं सर से। वहां से आए सरसे से, फिर पैदल गए। अगर शाम का वक्त था, सच पाशाह अपने सेक्रेटरी डिप्टी के साथ बाहर शहर को निकले थे, आप भी पहुंच गए, जाके मत्था टेका। कहाँ से आए हो? कि बलूचिस्तान से। क्या आप ही लाए हैं? पहचान लिया, वे हुई फकीर है जो बार बार खुद लाता खुद पकड़ता है जिन लोगों को। सोच लो
कहने लगे तू तो कोई मस्ताना है, तू तो कोई मस्ताना है, क्या काम करता है, कैसे करता है कि ये स्त्री मूर्ति है उनकी पूजा करता है। या उसको उस मंदिर को गिरा दे, मूर्ति को गिरा दे, तोड़ दे, फिर आना। फकीरों के इन चीजों से तलक नहीं। हम मूर्ति बनाने तो चीज अंदर है, बगैर अभ्यास के कोई चीज नहीं मिलती। ऐसे ही ग्रंथ साहब ने कहा था कि मंदिर ढहा दे। ये बाहर मुखी रह गए, स्कूल थे, स्कूलों की बिल्डिंग आगे से बनती जाती हैं, बाकी असली चीज खत्म। खैर तोड़ के आ गया, व्यास आए, जन्म रख दी, नाम दिया, कहने जाओ बलोचिस्तान तुम्हें जिंदा राम देते हैं, तुम्हारा काम करेगा। नीचे उतरे भाई शादी साथ, कहने कुछ दिया तो है ही नहीं दिया तो है ही नहीं भाई शादी करने ऐसे वैसे तो सच बात किसी को कहते ही नहीं, फिर पछताए आए फिर कि जाओ भाई तो अपना काम करो। बलोचिस्तान गए, अब चूंकि मंदिर गया था, मूर्ति तोड़ी थी, सारे खिलाफ हो गए। खिलाफ हुए तो निंदा करें, औरत आई, कहने लगे तू कोई और पति कर। उसके बाद में फिर दूसरी शादी कर दी, लड़के आए, कहने लगे तुम्हें तुम्हारी औरत का पति दिखाएं, कि चलो भाई गए, अरे तू मेरी माता, तू मेरा पिता। उसी वक्त पति मर गया। तो फिर बाप ने, मैं देखूंगा क्या करामात है, तीसरी शादी और कर दी। फिर गए लड़के आ गए कि देखो भाई तेरे औरत का पति दूसरा दिखाएं, गए तू मेरी माता, तू मेरा पिता, फिर बीबी मर गई। फिर वो बेचारा डरा कि मुझे भी ले चलो ब्यास फिर उसको ब्यास लाए, कहने लगे सच पाशाह की कि ये मेरी औरत का पति है, इसको मार दो औरत का पति है इसको ना देखो निंदा के लिए क्या किया, बस निंदा कितनी करो, मिठाई लेके बांटे जो निंदा करेगा उसको खाओ खूब। फिर कितनी कितनी करामाते हैं। फिर पीर भी वहां से आया, सुन सुन के पीर आया, वो उसकी बहुत मानता थी उस इलाके में, देख के आया। उसने आकर जब ब्यास आया, कहने लगा ये मुझे वो नाम दो जो मस्ताना जी को दिया है। सच बात है नहीं, तुम्हें कमाई करनी पड़ेगी। फिर उसने कहा कि नहीं तुम्हें कमाई करनी पड़ेगी, वो चीज और बख्शिश है। किस पे होती है, जिस जो सारे तलक तोड़े अंदर जाए, मेहनत करें, सारी सारी रात फिरते रहते थे, क्योंकि साथी बताते थे, सारी सारी रात सोने नहीं देते थे, लोग तंग करने लगे, तो गुफा बनाई ढींगरों की, छोटा सा लंबा पढ़ के अंदर जाते, कोई आया ना जाए। उनके साथ जो साथ रहते थे प्रेमी, वो बताते थे ये बातें सारी, कैसे करते थे, सारी रात सोने नहीं देते, हमें भी नहीं सोने देते, ये तो हमने भी देखे हैं कुटिया में, क्योंकि सोने नहीं देते, जिसका जरा सोया था बिस्तरा बाहर, अगले अंदर नहीं आने देते थे, अगला बिस्तरा सिर पर खड़ा रख के खड़ा रहता था इतनी मेहनत की दिन पर रात, डेरे जब बने जब भी देखा है हमने, गर्मी का मौसम, पानी मिलता नहीं था, वही रहते थे। हम तो उस वक्त नौकरी में थे ना, बाकी जानते थे, पहले पहले 2 साल 15-15 दिन गर्मी में नहाने को पानी नहीं मिलता था, बोलता इतनी मेहनत की सख्त। सोच लो सच पाशाह के लिए बचन बड़े फरमाते थे, या तो मैं जिंदा राम, या तो मस्ताना, या तो ये, चाहे वो है? वो नारे लगाते सामने शाह सतगुरु, खुद मालिक आया, सच पाशाह बंद करते थे, बाकी चिढ़ते थे सारे।
कितने वचन फरमाए हैं। एक दफा कहने लगे तेरे जैसा सतगुरु ना आया ना आएगा, तो सच भाई ने फरमाया तेरे जैसा बस्ताना भी ना कोई आया ना आएगा। पूरा किसने सुना ही नहीं, जब ये डेरा बन गया काम हो गया, फिर सब की चिट्ठियां मेरे पास पड़ी हैं। कितनी चिट्ठी पड़ी हैं, फिर आंखें खुली, ना कोई वचन सुनता है फकीरों का, ना उस पर अमल तो क्या करना था, बल्कि निंदे चुगली में रह गए, मान बिटाई में रह गए साधु, बस इसी रहे। फिर यहां भी देखा हमने मस्ती मस्ती, बस जहां देखे अपने रूप आम देखते हैं। हाँ फिर बोल भी आगे सुनो। हाँ बिछड़े मेलो, कौन से बिछड़े, मालिक से बिछड़े हैं, मालिक से हम बिछड़े हैं, वो खुद ले जाए तो ले जाए, जन मन दो में नहीं, जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर्ष लाइन मिलाए, जिया दान इनिशिएशन दायित्व होना, दो लफ्ज तो हरेक बता देता है। ये फकीर की अथॉरिटी पे है, बाद में रीतें बन जाती हैं, हमारा नाम बड़ा, हमारा नाम, ये नाम बदलते रहे और बदलते रहेंगे। पहले हम संचारी दिया करते थे, प्रण प्रेमी कहते पांच नाम का सेवन नाम, वो लफ्जी और वही लफ्जी और फिर एक और बढ़ा दिया, चलो भाई हमारा तो एक भी याद रह गया तो बहुत काफी है। बाकी सोचो बाकी बीपीओ को तो बस ऐसे बैठी रहती थी, याद ही नहीं आते जल्दी जल्दी। देख लो अपनी रूह को आप पकड़ता है। गोलू वाले में वो देवीलाल था, कहने लगा मैं चौथी टीम में रहता था उस वक्त, वैसे पाठ पूठ करता था, मुझे कई दफा दर्शन होते, कभी किसी फकीर के दर्शन होते हैं कि गुरु नानक साहब होंगे। फिर आ गया गोलू वाले, गोलू वाले वहां मंडी में क्या नाम कुलवंत रहता था, ये हर महीने आया करे कि कमाता थोड़ा है, खर्च ज्यादा है, उससे पैसे भी ले आया करे कभी, क्या मैं देखूं तो सही। फुफाने सत्संग था, वहां आया मस्त हो गया, इन जगह थोड़ी थी, इनको तो शहर भेज दिया, बाकी नाम दे दिया। इन्होंने कहा नाम, अगर नाम तो मिल गया भाई, रात जब गांव में आए, गांव से आए तो मैं देवी ना क्या ना कुलवंत है, तेरे आदमी को अलग नाम देंगे। नाम दे दिया फिर वो भूल गया, कहने लगी मैं तो भूल गया, अखिल शाम को आप याद आ जाएगा। ये है सोच लो, इस तरह पत्र था ना अमरपुर वाला, जिस दिन डेरे को जमीन दी है, नहीं है उसका सारा है महाराज। कहने लगा उठा सुबह, कहने यार मुझे तो रात किसी ने सोने नहीं दिया, क्यों भैया मैं सोऊं मेरे लाते मारे उठ, तो मैं फिर सो जाऊं फिर लाते मारे उठ, अब फिर सोऊं फिर लाते मारे उठ। कौन था कि पता नहीं, खाकी सा चोड़ा था, ऐसे बाल थे, यूं था। कहने लगा आज हमने सच्चे सौदे जाना है, तू चल ना तो चल। वो आ गया, उन्होंने नारा लगाया, मुसान जी बंद गुफा पे थे, जब नारा लगाया मुसान जी ने कहा आ गया अमरपुर के गाजी, आवाज सुन के कहने लगा आवाज तो वही आई। जब अंदर आए वही चोड़ा वही सब कुछ, फिर नाम लेके गया। वो अपनी रूहें आप पकड़ते हैं, ये किसी वश नहीं, किसी तरीके से पकड़े। और भी कितने मसाले हैं, वो किसी के आश्रय काम नहीं करते, मालिक के आश्रय काम करते हैं, उनका काम वो करता है। देत लेत सब आप ही, पलटू पलटू शोर, पलटू पलटू शोर, राम की ऐसी इच्छा, कौड़ी कौड़ी घर में नहीं आप में मांगू भिक्षा। राई पर्वत करें करें पर्वत को राई, आदमा के सिर है खाए खड़ा है राम, दे हमको बदनामी। ये दादू साहब ने कहा करे करावे साइया जिन दिया वजूद, दादू बंदा बीच में सोभा को मौजूद, उनके काम को खुद करता है किसी तरीके से करे।
वहां वो क्या नाम था, वो याद आ गया, वो रोहतक में एक था ना लाल देवीदार, एक और था, उसका भाई नहीं मानता था, उनके घर ठहरे थे, कहना जी हम सब सबने नाम लिया, ये नहीं मानता, कहना हम क्या करें भाई, नहीं मानते ना माने, हम क्या करें। फिर मिलता कहना अच्छा भी देखेंगे, दूसरे तीसरे दिन वो खड़ा था, बाहर निकले, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह कृष्ण, हाँ कौन सी जमात में पढ़ता है, कि जी मैं ये पढ़ता हूँ वो करता हूँ, अच्छा अगर लाओ भी अंदर बर्फी का डब्बा पड़ा, लाओ इनको बांटे, सबको दिया, और ये पढ़ने वाले इसको ज्यादा दो, उसको ज्यादा दे दी। शाम को फिर मुसान जी अंदर चले गए, शाम को 2 बजे चक्कर लगाने लग गया, शाम को मुसान जी निकले अंदर चला गया, कह मुझे तो नाम दो देख लो, मुझे तो नाम दो, कहने लगे भाई तुम्हें नाम नहीं देते, फिर उन्हें लग गया, फिर घर वाले आया, क्या बात है कि ये है, फिर नाम दिया उसको। बिल्कुल आप पकड़ते हैं सारे जड़ी जड़ी आंदियां ने, बेचारे को क्या पता किसी को क्या है, अंदर जाए तो पता चलता भी क्या है, फिर देखता है अब बाकी तो आदमी देखते हैं सारे बस, देन और भी कितने मसाले हैं, नाम आप देते हैं, फिर जहाँ जाते थे मस्ती मस्ती बस उनके, हाँ फिर बोल आगे, हाँ सुनो भाई, हाँ है मस्ताना शाह देश इनामी तो आया बिछड़े मेलन नू, बिछड़े मेलन नू। अगर वो खुद ना आए कोई जा नहीं सकता, काल ने रचना ही ऐसी की है, जितने कर्म धर्म जप तप पूजा पाठ हम करते हैं सब काल के दायरे में, योग वगैरह सब उसके हैं, जब रचना चलाई है, पहले मालिक अपनी मस्ती में आप ही मस्त था, उस वक्त ना कोई खंड ब्रह्मांड था, ना कुछ कोई चीज थी, ना त्रिलोकी थी, ना त्रिलोकी नाथ था, ना ब्रह्मा था, ना विष्णु था, ना शिव था, ना गौरव था, ना वेद था, ना कतेत, कुछ भी नहीं था, गुना सब फरमाते हैं अरबद नरबद तुंदुकारा तुंदुकारा ही था। फिर उसकी मौज हुई कि मैं ऐसी रचना करूं, जैसे कोई कारखाना चलाता है, काल अकाल खसम का किन्ना ए परपंच बदावन, काल अकाल खसम का किन्ना ए परपंच बदावन, दो ताकतें पैदा की, काल और अकाल, अकाल उस तक कहते हैं जिसको अकाल पुरुष कहते हैं, सतपुरुष कहते हैं, जो उसका अपना रूप है, दूसरा काल, काल को रचना का हुक्म दिया, खंड पाताल दीप सब लोहा सब काले वास आप प्राप्त किया, मालिक ने आप ही किया है, अब उसने चिलानी है, चिलाने के लिए उसने क्या किया है, जीव को लेकर कैद किया हुआ है 3 शरीरों में, पहले कारण शरीर है, उसके साथ कर्ममंडलों में काम कर सकते हैं, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उसके साथ सूक्ष्म मंडलों में काम कर सकते हैं, जहाँ देवी देवते जिन भूत वगैरह रहते हैं, उसके ऊपर ये शरीर है इस दुनिया में काम करने के लिए, इंद्रिय लगा दी, विषय लगा दिए, और पाप उनका जाल डाल दिया, पाप उन बीज की पोट, ये बीज ऐसी दुनिया चलती है, पाप है चाहे पुण्य है, चाहे पाप है चाहे पुण्य है, ये दोनों बीज हैं, इससे दुनिया चलती है, और क्या किया है उसने, मन लगा दिया, ये काल का एजेंट है, इसका काम क्या है, जीव को प्रमाण में भटकाना, और कोई काम नहीं, गुना सब कहते मन मंगल सक दीवाना, बनखंड माया मोह हराना, इत चाहे काल के चापे, गुरुमुख खोज लेकर आपे, कि मन एक मस्त अतीत रहा है, जो मोह माया और विषय विकारों के जंगल में भटकता फिरता है, कभी स्त्री के प्यार के बच्चों की मोहब्बत, कभी नाच कभी रंग, कभी तमाशे के कमों में सुख बखेड़े, कभी देशों के बखेड़ों में जाए फिर रहा है, इत जाहे काल के चापे, काल के हुक्म में है,
किसी विरले ने इसको काबू किया है, इसके काम यही है भ्रमाना भटकाना। और क्या किया है, क्योंकि सब कहते हैं अजीरा तुम लोग को अपने बस का लो, अजी तुम लोग के रहने वाला है, काल के बस में आए हुए हैं, मनुष्य रूपी नंजना तुम्हें रखे भरमाई हो, मन काल का एजेंडे तो भरमा रहा है। कैसे, एक तो पाप उनका जाल डाल दिए, इंद्रियन लगा दी, और जोग चाप नेम व्रत पूजा वो प्रपंच पसारा हो, जैसे विधि को टाटी के देव सारे चारा हो। ये जोग जाप वगैरह सारे फंसाने वाले हैं, जैसे एक शिकारी जाल तान के नीचे दाने डाल देता है, जन्मरात पेट भरने को फंस जाते हैं, सब फंसाने वाले हैं। पूर्ण योगी प्राश्चर्य जी, उसको मन ने मार दिया, 88 साल साल तप पौन हारी देखते एक हजीब मारनी पानी पी लेना, उनको मार दिया। सोच लो फसाया कैसे है काल ने, मन उसका एजेंट है, इसने कैसे फसाया है, जैसे जब यहाँ अंग्रेज आए तो यहाँ शाहूकार के लड़कों को, राजे महाराज के लड़कों को तो ले गए, चलो भी तुम्हें सैर कराएं, उनके साथ एक एजेंट छोड़ दिया, उनको मीनों में शराब खानों में कबाब खानों में ऐसे ऐसे फंसा के कर्जाई कर लिए, राज खोस लिए, यही हमारा हाल हुआ है। मां ने कहा माँ के प्यार की लज्जत दे इंद्र, अर्ध के प्यार की लज्जत दे फलानी, इंद्र की लज्जत दे फलानी, फंस गया, अब निकलने का राह नहीं मिलता, जीव जी अलग पड़ गया, उलझा नमन सूत, कोई कुबरे सावधान बाय गुरु बाय कर दूत, नमन सूत की तरह उलझा पड़ा है, सगुन निकाले तो निकाले, नहीं निकल नहीं सकता, वो खुद आके लेके जाए तो ले जाए, किसी की ताकत नहीं। सोच लो बस, वो आता है उसको, उनको भी काल काम नहीं करने देता, चलो ठीक जा, तुमसे लड़ाई करता है, सुनो बोल भाई, वो कहता मैं ले जाऊंगा, क्या कैसे ले जाएगा, हाँ सुनो कि मैं ऐसा जाल फंसाया है, हाँ जी देना, इसी जाल में सारी दुनिया उलझी पड़ी है। बाद में वहां जहां फकीर आते हैं वहां भी यही जाल बन जाता है, बाद में पढ़ना पढ़ाना ना तीर्थ वगैरह वही वही रह जाते हैं, बस बाहर की पूजा रह, असली चीजें खत्म। हाँ हाँ जी यहाँ ये था जी, यहाँ वो था जी, यूं था, बस ऐसे ही रह गए। काल वचन तब काल अस बोले बानी, सकल जीव बस हमरे ज्ञानी, ज्ञानी कबीर को कहा है। 360 पैठ उर झेरा, कैसे हंसन लेव उबेरा, 360 पैठ उजे हाँ कैसे कौन कौन से कैसे, गंगा जमुना सरस्वती जानी, पुष्कर गोदावरी कुछ कामानी, बद्री केदार हम काठाऊं, जहाँ तहाँ हम तीर्थ लगाऊं, मथुरा नगर उत्तम जो जानी, जगन्नाथ जस बैठे ध्यानी, सेतु बंध पुन कीन ठिकाना,
पुष्कर क्षेत्र आए जमथाना, हिंगलाज जीव जय सोई, कालका नगर कोट में होई, गढ़ गिरना दत्त को थाना, ताहे घेर जम बैठ निदाना, कमरु माह कमी छा देवी, निम खार निस रख जम लेवी, नगर अयोध्या राम राजा, कह देत बांध सब साजा, याही पैठ जग जीव भुलाई, कविध हंस देव मुकताई। कैसे करेगा, कैसे ले जाएगा, इसी में जी पड़े दुनिया, काफी बहस की फिर। काल हमारे पास आए, हम कहते जा मैनेजर को, जा खुशी राम को, सुनो है उनको तंग करता जो काम करते हैं, हाँ धक्के पड़े हैं फकीरों को। हाँ जी, हाँ जी, निरंजन वचन। तुम तो काल निरंजन राई, हे ज्ञानी का करो बड़ाई, पाव पताल शीश आकाशा, पाव पताल शीश आकाशा, है है, दुनिया को क्या पता है क्या। हाँ हाँ जी, पाव पताल शीश आकाशा, सोरह योजन अगन प्रकाशा, सोरह योजन अगन, गर्जे काल महाविकरारा, सत्र लाख नो पाव पसारा, लपके जीव जिम टूटे तारा, जिस बिजली चमके अंधियारा, हमारे पुरुष हम बरियारा। क्यों खसू ने मुझे ये ताकत दी है, मुझे हुक्म दिया है, तू क्या कर सकता है, हाँ मेरे देश क्यों आया है, हाँ बोलो। हाँ जी, हाँ हमारे पुरुष हम बरियारा, तुम ज्ञानी का करो हमारा, तथी तबियत बैठाते वो दीनता वाले ने, अगर दीनता छोड़े तो फकीरी नहीं, हस्ती को मिटाया था। हाय हाय, हाँ जी, तो धक्के पड़े हैं फकीरों को सबको। हाँ जी, हाँ जी, ज्ञानी वचन। हाय हाय, ज्ञानी पुरुष शब्द कियो जोरा,
पकड़ सूंढे दांत गह मोरा। सब उसकी ताकत तो ज्यादा है उनसे है? फिर वो रूप धारा हाँ जी है। मारो शब्द पाव कर पेली तोर सूंढे समुद्र गह मेली। सुना करते थे ये गए थे ना अब टिब्बे पे, वहां एक दा कहने लगे काल को पता दिखाएं कैसे जीवों को दुख देता है पर मालिक का हुक्म नहीं लगता, चूड़ा छोड़ना पड़ेगा। हाय हाँ हाँ जी इधर कहने लगे, कहते हैं गुरु नानक साहब ने पहाड़ को रोका, ख्याल आता है भी ऐसी टिब्बा संग बैठी बैठी सच्चे सौद ले जाए ऐसे ही, पर चूड़ा छोड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ जी देख लो इतने कानून 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 के हिसाब से चलता है। अरे कहते मेहर करो मेहर करो मेहर, कानून के हिसाब से सारा काम चलता है। जीवों कर्म बहुत उठाने पड़ते हैं उनको, एक के उठा लें तो बस कई दफा दो देख लो कर्म, इतना इतना ऑपरेशन इतना बड़ा बोलो यहाँ मुसान जी के बोल याद है वो नाई आया था लाहौर वाला अलाड निकाल दिया, लाहौर का नाई कहते थे दबाया था उसने आकर, ओहो हो इनको भी कशी पड़ गई, खुशी राम को पड़ गई, उनको दूध पड़ाया फिर है हाँ बोल। काल ऐसे नहीं दुनिया माहौल बनाया है दिया, आते हैं जी मेरी तरफ देखो मैं बीमार रहता हूँ बीमार हूँ, लड़का बीमार है मैं लड़का बीमार है तो इसकी बीमारी लेगी फिर भाग गई। कर्मों का ये हिसाब है किसी को क्या पता है, दो लफ्ज तो रहेगी बता देता है कर्म। एक आदमी को नाम दिया था बाबा जी, 12 दिन बुरा हाल रहा, बोलो देख के नाम देना पड़ता है, स्कूल में भी दाखिल करते देख के करते हैं, ये खास खास रूहों के लिए आते हैं आम नहीं। हाँ हाँ जी हाँ जी मारो शब्द पाव कर पेली तोर सूंढे समुद्र गह मेली। पुरुष रूप तब ही पुन धारा जौन स्वरूप काल अवतारा। फिर डरा हाँ फिर भी क्या कहता है देखो हाँ जी निरंजन वचन भया अधीन दोई कर जोरी तुम सत पुरुष शरण हम तोरी तुम सब बाल बुद्ध हम धार तुमको बाल बुद्ध तुमको बाल बुद्ध हम धारा अब तुम करो मह उधारा। बालक कोट भात गरियावत मात पिता मन एक न आवत तुम ही पुरुष दीन मोहराजू ओपुन दीन सकल मोह साजू तह पर हमने गाँव बसावा लीने सुन ठिकान बनावा तहा हम साहिब जाए रहाई बिन
आज्ञा कछु नाहि कराई। अब लग साहिब मैं सोपे पुरस तुम दर्शम दीना, दो कर जोर चरण चितला। सोत पुरस तुम दर्शन दीना, दो कर जोर चरण चितलावा। धन्य भाग हम दर्शन पावा, अब मोहे साहिब भेद बताई। पहुँचिन हंस पहुँचाई। ज्ञानी वचन। हाँ जी। सुन रे ताल निरंजन राय,
कपुरा से तुम दर्शन दीना, दो कर जोर चरण चितलावा, धन्य भाग हम दर्शन पावा। अब मोहे साहिब भेद बताई, पाओ चिन्ह हंस पहुंचाई। ज्ञानी वचन सुन रे ताल निरंजन राई, पुरुष नाम है वीरा भाई, जो हम साचित भगत समोई, ताको खूट बहे मत को। भक्ति करता है, जो भक्ति करता है जिसे नाम दिया है उसको मैं हाथ नहीं लगाना। और फिर वो आगे क्या करता है? जो निज बीरा पाए है आवे लोग हमारे, ताको खूट गहो मत सुनो काल बट पार। आगे सुनो गुसाई बिनती मोरी, बीरा पाए करे कुछ ओरी, ज्ञान कथे अंत चित वासा, आवागमन की राखो तो फिरता है उसके जाता नहीं। फिर तो मेरा ही जीव है, बोलो। फिर भी कहता है मेरा ही जीव है, वो कहता नहीं फिर भी तेरा नहीं। बस देख लो भाई, कई कई जन्म लग जाते, इसीलिए छोटे छोटे बच्चे रात नाचते थे। गुरदास को वो फोटो ला, फोटो ले आए, एक ने तो सचिवाशी की उठाई, एक ने मुसामी की उठाई, दो ने हमारी उठाई। वो बार बार इसी तरह कैसे भाई ये देख लो, ये गुरु नानक साहब की बात तुम बचपन से करने लग गए, देख लो। अभी जाना नहीं चाहता बस, पता उनको पहचाना नहीं था। बाप ने क्यों मारता था जब तो बहुत छोटा था, देख लो। अब बता, हाँ बाबा ये है लंबा कोर्स करता नहीं, तुम मेहनत करे पाया। ये अगर करता है, मैं यूं करता हूं बस, मैं खा गए बैठे सदगुरु का आश्रय लेकर कि सब तू उठाए तो बैठ सकता हूं। उठे सब तेरी मेज से बैठा, मैं मैंने कोई कुछ मेरा तो हम दो दिन बैठते हैं, एक अलग का है मेरा को देखना है। कच्चा आ गया बैठ गए, चार दिन बैठा के कोई दिखाई तो देता नहीं। मैं कितनी दिन पढ़ा है? और 11 कितने सालों में किए? 13 तो 13 सालों में किए। मालिक अभी मान दो दिन में देखा जाता कई कई जन्म आएगा। मुसलमान ने लिखा है, पहले लिखा गए पहला था ना बंदू द्वारा, उससे लिखवाई थी नहीं हमने बाद में देखी है। जब मैं स्वामी जी के पास थी या मैं पीछे थोड़ी थोड़ी लिखी थी, पढ़ी नहीं थी, या नेकी राम के पास थी फिर मुझे दिला गए थे। उसमें लिखा है कि पिछले जन्म में बाबा जन्म सिंह जी से मिले, उनसे बात की, उन्होंने घुमाया तुम भक्तों के सरताज हो तब हमसे बात कर सकें, हम भी रूप बदलेंगे स्वामी शाखा तुम्हें रूप बदल के पहले बलुचिस्तान में काम करना पड़ेगा फिर सरसों में करना पड़ेगा, पहले ले गए हैं वो ना 1946 में फिर लिख रहा है
शहर देखा ब्यास में, दूसरे देखा सत्संग परिमंडली में, परिमंडली है ये है को मानते नहीं, वचन करते को सुनते ही नहीं। हम बोल दो उनकी निशानी है दीन से भरपूर है, सेवाधारी जोड़े जाने वाला, ये नहीं करके दिखाया है। एक बार उनको मैं बाहर खड़े थे, कुछ आदमी आ गए कि ये संत से दर्शन करने हैं, ये तो रख गए अंदर बाहर को उठाने, एक तरफ उठा के रखे मुसल में आपको पता ही लगा उनको आगे गए, उनको पता नहीं था कहीं मुसलमी से दर्शन गए, वो तो पता नहीं कब आएंगे मुसलमान बाहर को उनको पता जूते भी रखी बुढ़ा जूते भी देखना हमारी को उठा रहा लग जाए तो बाहर दरवाजे में पानी रख दिए कोई आवे पानी पिए, एक जूती रखती टूटी और कोई नाराज भी हो तो निशाने गिर के मार जाए बोलो तो हाँ जी हाँ बोल दो हस्ती को नहीं मिटाया कुछ नहीं बनता है, किसी चीज का रूप बनने के लिए हमारे अंदर वो गुण चाहिए जो उसके लिए जरूरी है। मालिक का रूप बनने के लिए वो गुण चाहिए जो मालिक में है, वो क्या है कभी सब कहते हैं वो कभी रोड़ा हो रहा बाप का ताजमहल का नाम, ऐसा तेरा दास होए ताही मेरे भगवान, रास्ते का रोड़ा हो जाए एक ही ठोकर खा, फिर कहते नहीं वो उसकी चोट लग जाएगी, कहते खे बन जा, फिर कहते ये भी नहीं खे से किसी कपड़े खराब होंगे हाथ पांव खराब होंगे साफ पानी की तरह बन जा, फिर कहते ये भी नहीं किसको गर्म पानी की जरूरत है ठंडा मिलेगा, ठंडी की जरूरत है गर्म मिले, बहुत दुख कबीर पानी हुआ तो क्या दे सीरा पाता है, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि हो अपनी हंसी ऐसे मिटाया जैसे मालकी मिटाई हुई है, वो सबका मालिक का कोई निशानी है, कोई गाड़ियों में काले किसकी रोटी बंद की सोच लो, ये है अति निर्भरता का हस्ती मिटाने का मिट्टी बनने का, सोचो मिट्टी जैसे बन जाए मिट्टी को खोदे तो वो दुख नहीं मानती, कोई लेते तो खुश नहीं होती, चंदन छिड़के तो खुश नहीं होती, ये है तब चीज मिलती है। बातें मारी गुरुदेव दास के वो टाइम की टंगे उतरे चोरना ही हुए, ये है इसका नाम फकीरी है, इतने नास्ते मिटाना है किसने कदर नहीं की, मानसों के बच्चों ने कदर की, बोल लो गुरुदेव साहब के हुक्म में रहते गुरुदेव दास के गुरुदेव साहब की लड़की बातें मारी कि तीजन सारी मुखालफत करता रहा, तेज भाग के वक्त अमृतसर दरबार में भी ऐसे ही थे, किसी ने मत्था टेकने नहीं अंदर जाने दिया था, ताले लगा दिए, चलो तीन पैसे कर सब कुछ सकते थे, नींद नहीं लेकिन मैं दिल्ली लाहौर की टिट कर वो भी कर सकते थे, एकदम बैठा था जाल में कोने में रिक्शा रुका था बैठा, उसके साथ मस्करे थे, मस्करे उन्होंने सोचे इनको कैसे खुश करें, वो इनके साथ मुखर करने लग गया, वो तंग तो आया मालिक ने कहा वही जहाज डुबो दे, देखो कहीं जहाज के डुबोता है इनको मत्थे क्यों नहीं दे देता, ये फकीरी बस उसी वक्त तालीम खराब हो गई जिस बिछड़े में लानू शाम का नहीं आया बिछड़े
मेरा शाम का नहीं आया बिछड़े में लड़ू देश नाम तो आया बिछड़े में लड़ू जड़ी रानी मता ना शादी आवे मैं कुर्बानी जावा उसको पहचानने वाला भी कोई कोई होता है, आम दुनिया को पता नहीं, पहचान नहीं सकते, कोई बिरला ऐसा सत्य होता है। सच भाई जा रहे थे बरात का मौसम घोड़े को सवार खुशबू आए, हम हैरान हो गए कैसी खुशबू है। फिर ख्याल आया खुशी होती है किसकी लग तो हो जाए, कोई नौकरी अच्छी मिल जाए, कोई और हो, ये बात नहीं है। फिर बाहर के मौसम फूल फूल यहाँ कितने अरसा हो गया, ऐसी खुशी देखी कभी नहीं। जब पास किया आगे गए तो खुशबू पीछे से आए, मेरे से देखा मुसलमान की रहे वहां मत्था टेका, वो कहने लगा खुशबू वाला नाक भी कोई कोई होता है, कोई कोई होता है। सोचो खुशबू साहब जा रहे थे ऊंट लेकर निजामुद्दीन के पास, 101 ऊंट बोलू सामान से भरे हुए। इधर एक गरीब आदमी निजामुद्दीन के पास आया, बेहतर है कि जी लड़की की शादी करनी है कुछ दो। तो अच्छा भाई कुछ आएगा शाम तक तुम दे देंगे, कुछ ना आए अगले दिन फिर बैठा रहा, अगले दिन फिर बैठा रहा। और कहने लगे भाई मेरे पास आ तो कुछ नहीं, ये जूती मेरी जूती ले जा, पुरानी जूती थी, जूती लेके जा रहा था जैसे वो आ रहा था। उसने कहा मेरी मुर्शी की खुशबू आ रही है, देखो। हैरान हो गया, जब आग गया खुशबू पीछे जाए कहीं हो रहा भाई कहां से आया है। निजामुद्दीन के पास गया था, कहते हैं फकीर वो सब फिर होता है लड़की शादी करने भी, कहने कुछ ने टूटी जूती दे दी कि तुझे बेचनी है। हाँ मैं बेच दूंगा, कि मैं इसकी कीमत तो दे नहीं सकता, 100 रुपये दे दिया सामान का एक रखा वो ये कीमत। वहां जब निजामुद्दीन के पास आया जूती आगे रख दी कि कितने की लिए है, क्या वो भी सस्ती है। और बाकी दुनिया के क्या हाल है। एक चमड़े रंगने वाला गंदे के बाजार में गया, जहां इतने बेचते हैं घड़ा से गिरा, लेकिन कहा इसको मुर्गी आ गई दौरा आ गया क्या बात है। वहां से फिर पानी छिड़का के ना कुछ किसी ने कुछ पता किया, खुलाने में लेकर चुमा रहा वहां पता किया, वहां से चुमार इकट्ठे होकर आ गए। एक उनमें समझदार था, दूसरे पीछे हुआ कुत्ते की टट्टी खा रहा है, उसके नाक को सुमारे तो नाक ताजा हो गया है ना,
पूरी शासक के नहीं है, कोई बिल्ला देख लो मणिपुर में लिखा है, कोई बिल्ला है जिसको बख्शे वो बस फैसला है। हाँ जी जैसे जान क्या आपको कमल डेरा शासन था, एक दात आई, दात के आदमी शाह पी के गले में से गुजते वो करते आगे उसे शासन लगा होता आगे चुपके से बैठ गए। शासन बैठे ऐसे बैठ गए जैसे शाह पी ने रोटी के लिए बुलावे नहीं उठे ना, जब गए ऐसे गए जैसे कभी शाह पी नहीं गए है। जैसे शराब पी नहीं है ये उनके खेलते हैं, ये असर है ना उनका बस बल्ले बल्ले कहा देखे बस दो चीजों से जरा से देखता है फकीर या जुबान से या आंख से, बस जिसमें नजर मारी बस जवान से बस पढ़ता हूँ। हाँ जी आंख से कहते ना नजर लग गए है ठीक है नजर लग गई नहीं शीश में बीमार हो गया फिर उसको दवाई दे दवाई ठीक दो आसन ना करे, जब उसने देखा वो दवाई खाता था ऐसे देख लेते उसी आंखें बिजार पड़ जाती थी जैसे, फिर उसकी आंखों की पट्टी बांधी फिर दवाई दी। इसी को जिसने अंदर नाम प्रकट किया है नाम पर रच लिया है उसकी नजर नहीं है, लाल पीपा को शौक था मालिक मिलने का, वजीर से पूछा तो फकीर बता क्यों तो फकीर तो है मगर आपने जाना नहीं क्यों, अरे जात का चुमारे रविदास रविदास के पास कौन जाए, इधर मेले लगा हुआ था सब लोग बाहर गए थे छुप के चला गया, वो कुएं पर पानी डाल रहा था उसने देखा राजा आया है अभी लग जाए चार आदमी का और भला हो जाएगा, उसने पानी लिया के तो जो दी लो राजा अमृत अमृत दृष्ट देखे संत, उसने समझ में चुबारी बुला लिया उसने से कुछ तुम डाल लिया घर घर आके जब बुलाया कि किसी को पता नहीं लगे लंका द्वारा कभी होते नहीं थे मुंह से चूस चूस कर निकालते थे, मैं छोटी सी लड़की को दे दिया कि इसको चूस चूस कर निकाल दे रहा हूं, वो चूसती गई अंदर करती गई चूसती गई अंदर करती गई उसके अंदर पर्दा खुलने लग गया हमारे की बातें करने लग गई। जी ने कहा रविदास के पास तो ना गए धोबी की लड़की का पर्दा खुला हुआ है वो उसके पास गए वो फिर खड़ी हो गई आसमान के क्यों बेटी मैं तो तुम्हारे पास बेकारी बन के आई हूं कि जो कुछ मिला तेरे से मिला है कि मेरे से कहा तेरे कमीज में था फिर भागा है ये है फिर मिंत की व्यवसाय में ये है ये जुबान से देता है ये आंखों से बचन हाँ किसी को किसी को अफसर को अथॉरिटी दे देता है वो काम करती अथॉरिटी अथॉरिटी है अथॉरिटी काम करते बाकी नहीं लफ्स काम नहीं करते थाने वाले पास पर गोली चला वो चलाया ना हम पास करो हमें काम हमारे काम के चलाएंगे लफ्स तो यही है उसके लिए अथॉरिटी भी है ठीक फकीर की निशानी क्या है उसके चाहे जी कम तो सबको काटनी पड़ती है लेकिन दबा नहीं था 12 साल पड़ा हुआ निकल कर काट लिया फिर उठा उठे नहा धोया नहा धोते कहने वाले को फोटो खिंचाई कोई कह नहीं सकता बीमार रहा है 4 दिन बाद छोड़ा छोड़ वो कर्म निकल गए ये कर्म काटनी पड़ते सबको ना काटे तो बस पतरान था ना उसकी टांगों में दर्द बड़ा
डेरे ही नहीं जा सकते, पास था डेरा होया। वो तो एक दो पोड़िए एक आदमी और होया, कहने का मुसान जी अमीरों के पास जाते गरीबों के पास को जाता नहीं। उसने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी भी नहीं पड़ी है, डाली नहीं हुई। मुसान जी कहने लगे जीव में बात, मेरे साथ भी जीव में गाई सीधे हम पर गए। पत्रों को पता चला घुमाया रोता रोता। मुसान जी कहने लगे मेरे उसको दिलासा दे। खैर कहने लगे भाई हमने जरा डाल दे। शाम को 8 बजे करीब हमने जाना पोड़िए, वहां शासन करना है। समय तैयार हो गई, चुनी डाल दे और 2-4 को भेज दे, उनको बहुत तैयारी करे। पत्रों को कहा बाकी सब तैयार हो गए। पत्रों को कहा कहने जी मैं तो आपके साथ ही जाऊंगा। कहने अच्छा ही कर तुम ग्रुप तक ले जाते, वहां से बस पे चले जाऊंगे। वहां जाकर कहने लगा मैं जी मैं तो साथ ही जाऊंगा, चले गए। फिर शाम को आए वहां पोड़िए, पोड़िए शासन किया, कहीं नाम लिया। फिर उसने बताया ये चिट्ठी दिखाई। फिर शासन के बाद पत्रम कहने लगा कि ये ऐसे तो मुझे पता है कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मैं लाचार हूं, उठ नहीं सकता, फिर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। कहने लगे तो एक मिनट का काम है, राम का कुड़ी का कुड़ दूर हो गया, लेकिन कर्म जरूर भुगतना पड़ेगा। इस जन्म में तो अगले जन्म लेकर भुगतना पड़ेगा, फिर सलाह है। कहने लगे मुझे तो इसी जन्म भगता लो, जन्म ना दो, फिर है भुगतना जरूर पड़ता है, बगैर भुगते छुटकारा नहीं। जितने भुगत जाए अच्छा है, जितने तकलीफ प्रेमी को अच्छा है, जितनी गरीबी तंगदस्ती बीमारी आए उसके लिए अच्छा है, उसके कर्म करते हैं तो फ्री होता है। उससे मांगे कुछ ना, जब मांगता है तो बकाशता है उतना, फिर चक्कर न पड़ता है। सरसे में वो डेरा बना था हरिजनों के मोहल्ले में, तो उन्होंने सत्संग रख दिया। रात को पुलिस वाले भी आए, पैसे बांधते थे, उनके घर में हाथ डाले। सुबह फिर वहां सत्संग हुआ, सब लोगों ने रोटी खाई वहां। बाद में अंदर जब गए डेरे में, लाओ भी डोरी बोरी पर बैठे, 2-4 सेठ आ गए। एक उनमें से बहुत कट्टर था, हरिजन से बड़ा नफरत करता, लोग नफरत कर से प्रेमियों से भी कि देखो ये अच्छे अच्छे घरों के बीबियां जाकर लिपा करते हैं हरिजनों के, हुआ ये चूड़ी जमा में देख के सबके साथ खा लेते हैं। कहने लगे इनके लिए दरी लाओ, गए बैठा दिए, बातें कहने लगे इनके लिए चाय लाओ। चाय का कोई इंतजाम नहीं था वहां, एक हरिजन घर से चाय लाया, टूटी फूटी क्यों नहीं पेस्ट चाय पड़ा दी। वापस जाने लगे, कहीं नहीं यार कोई होश ही नहीं, चूड़ा भी चाह पिया है, हमारे चूड़ा हम चाह पिए, चाह बड़ी स्वाद थी ऐसे ऐसे इसलिए नफरत जाती है ना, क्या मस्ती है जिसको बख्शे भाई। नमूने दिखाए जाते फिर वो समझता नहीं, बस बाद में कहानियां कहानियां नहीं, जो असली चीज आए। कहानियां तो गाएंगे, प्राय गीत गाएंगे, देख लो जो आनंद उन्होंने हासिल किया वो ना लिया किसी ने, वो तो चाहते ही आनंद लो दिखाते ही नमूने
नंद घोष पढ़ लेते हैं, नंद व्यापी माया सतगुण पाया, सतगुण पाया सर शक्ति नंद जी बदल में राज रत्न परिवार बनी शब्द का मनाई में पढ़ लिया, नंद मिल गया ना। उन्होंने तो पाया मेहनत की, कैसे पाया मेहनत करके अंदर गए सहज रास्ते में वहां सतगुर है, सोच लो वहां सतगुर है फिर आनंद मिलता है, ऐसे नहीं असली अमृत वहां है, नीचे भी है अमृत कि सब ने कहा है रहल मस्त पी लेटे नाम की बुट्टी, फिर कहता ब्रह्मा पी विष्णु पी और पी शक्ति दास कबीर ऐसी पी आवागमन छिटकी पिया तो उन्होंने ऐसे नहीं मुझे पूजा तुमने कुछ हासिल किया है, तहसीलदार की पूजा है, पटवारी की भी है, चपरासियों की भी है, देर में असली बहुत दूर है, क्यों का आवागमन के चक्कर नहीं मिटा, मेरा मिट गया असली मृत तो लकी से पार जाकर मिलता है। सोच लो ऊपर आज सर तो लोग सच नान का मृत से पाया है, वहां है असली मृत, नीचे का कहीं नहीं पिया है, ऊपर के से बिल्ले भी पिया है, तुम्हारे अंदर रखा है वो ना लिया है, इसलिए आते हैं वो बहुत कहानियां कहानियां रह जाने, फिर बस फलानी ये किया फलानी ये किया फलानी है असली चीज खत्म, मेन चीज जो सुना वो करता नहीं कर, फिर भी कहानियों कुछ फायदा है, कुछ याददाश्त तो रही पलती हुई है, दुकान कैसे चलती है, फलानी चीज लानी है, फलानी महंगी होगी फलानी सस्ती होगी, करते करते चलते है, ये भी ऐसे शासन में जाने में सेवा करेंगे, ये करते करते ख्याल पकता है फिर से मैं बनता है, ऐसी खेती चलती है, फलाना बीज अच्छा है फलाना खराब है, देखो पानी लगाना है ये करना है वो करना है, ऐसे ये है, इसी तरह ये फसल तैयार होती है भजन की शोध करते करते, असली चीज सुनना है कर्तन जो शिकायत आती है क्या कहीं मन नहीं लगता, मन में तो लगना नहीं, इसको बिठाए जरूर कुछ हो, पहले की चिट्ठी है मेरी पैदाश से 2 महीने पहले की चिट्ठी है जी, सच भाषा की पत्नी को लिखी थी पढ़ी है, धन सदगुरु तेरा ही आसरा 13/9/1915 लिप्तुम श्याम सिंह अग्गे भाई चन्नी सिंह जी, सतगुर दीन दयाल की दया मेर पहुंचे ते ताकीद है जो नितनेम नाल भजन सिमरन करे जाओ अते कदे कोई दिन भजन से गफलत न करो, भजन तो गफलत कीतियां ही मन आलसी हो जाता है, सो आलस ते दलिद्र नु छड के भजन दा नितनेम रखी जाओ, आपे एक दिन मनवस हो जाएगा, जे एक दिन आलस हो जाए ता कई दिन भजन नहीं बनदा, ते साडी ता हालत ए है जो कदी नाम दा ख्याल ही नहीं करदे, जिस करके मन ढीला पै जांदा है अते भजन छड बैंदा है। देखो भाई पानी ते सखी ते आस्ता आस्ता खींचे 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 वो तो भी निशान पा लूंगा, बस मैं करते करते थोड़े दिन निशान पा लूंगा जल्दी का काम नहीं, ये जल्दी का काम नहीं, जो अपने भजन नहीं बनता भजन नहीं बनता, जल्दी उठाए जरूर कोई 2 महीने बैठ के तो देखे टाइम दे दो 2.5 घंटे फिर पता लगता है यही चिट्ठी आई कि मन तो नहीं लगता मैं बैठ कर रहा मुझे ये मिला ये मिला कई चीज दिखाई बड़ी शांति आई है बैठे दुकान निशान करते थे दुकान पर नौकर बैठा है
कोई ग्राहक आए या ना आए उसकी तनख्वाह तो खड़ी है, तुम बैठो तो सही, तुम तनख्वाह मिलेगी। उल्ट पुल्ट के प्राण टेढ़ा सीधा हो या काफर मिल जाएगा पैसे लोग को, किस सेब का संतरे का कि और चीज का, खाना तो कोई और चीज है, वो तो और स्वाद है। नाम लेने से कोई ना कोई स्वाद प्रतीत होता है, जपे तो सही। पढ़ाता है उसी तरह पढ़ते हैं, लेबोरेटरी में जाते हैं वो देख लो, इसी तरह ये है। फकीरों का हुक्म किसी नहीं मानना, जैसे वो पढ़ाए उस तरह पढ़े हैं। जो हद की तो रानवास फिर काम देने लग जाता, पता लगने लग जाता है।
दो मत पड़ा उतना पता लग गया, चार पड़ा उतना, दस पड़ा उतना। स्त्री ये भी है, मीरा को जहर भेजा बन गया, शाम भेजा हाथ बन गया, तलाद की सुनाई की दे लो, ये काम करना था। बातें बातें रहेंगे बाकी। जेड़ी राही शाह मसुता ना दियावे मैं कुर्बानी रास्ते में पड़े हैं, चलो तो ना, ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है, बता दो। ये तो हो गया, रास्ता तय तो ना किया, ठीक रास्ता हो कदम कदम चले पहुंच जाता है, गलत रास्ता हो कितना भाग के जाए। हाँ जी, जेरी राही मेरा शाम स्थान ना दियावे कर खत सजदा कर दे चुप चुप पर जा जमी आसमान तू घर से बुरांदा कर दे देख लो, वहां बैठे थे, देख लो।
ये थोड़ा बहुत बिजी हो गया। हाँ जी तो करे ये ठीक है, जगह अच्छी है, और भी खुश हो फिर नींद भी करे। हाँ जी चीतन दे रहा है मन को मेरी नहीं खुशी तो क्या। हाँ जी मेरा शमशाना जियावे बरखत सजदा कर दे चुप चुप कर दा जमिया सुना कर सुबुरा ना कर दे उठते आरो चंद सूरज की सुर पदमा कर दे उठते आरो चंद सूरज की सुर पदमा कर दे जो मस्ताना जी ना बिरारे हर भी कलमा कर दे मिसरे जरूर टाइम दो कुछ भी हो
टूटा फूटा चलते फिरते जैसे बैठ के कैसे बैठे चलते फिरते जैसे भी है वो स्वरूप करो जहां पर हम बने। चलो हाँ वो कैंसिल कर दो ना, कल बोल दो क्या बोलेंगे भाई अच्छे कल बोल रहे फिर बेचारा बनाएंगे Thank you.